हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आरबीएनएल के स्टॉक को लेकर आया हूं। और आरबीएनएल के अंदर आज के प्राइस एक्शन की बात करें तो आज जो है वो -10% यानी लोअर सर्किट लग चुकी है इसके अंदर। ठीक है, लोअर सर्किट लग चुकी है। और इसके अंदर जो तेज़ी आई थी आप देखोगे तो पिछले 3 दिन में जो ये तेज़ी आई थी वो इसलिए था क्योंकि इरकॉन के साथ इसका मर्जर होने की बात चल रही है। ठीक है, आरबीएनएल का इसके साथ मर्जर हो जाएगा और ये होना भी चाहिए था। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप रेलवे की जितनी भी स्टॉक्स है अगर उनकी हिस्ट्री देखोगे तो वो साइडवेज रहती है। ठीक है, बहुत ही कम रेयर मूव आती है इनके स्टॉक्स में, वरना नहीं आती है। और अगर मैं रेलवे स्टॉक की बात करूँ तो सिर्फ IRCTC ऐसी स्टॉक है जो ट्रेंड में रहती है। ठीक है, बस यही एक रेलवे के स्टॉक है जो ट्रेंड में रहती है, बाकी इसकी जितनी भी लिस्टेड स्टॉक है वो सब के सब साइडवेज रहते हैं। तो मैं जनरली बोलता हूँ कि आप रेलवे के स्टॉक्स में अगर आपको बाय करनी है तो वो उसका पर्सपेक्टिव आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। रेलवे स्टॉक में अगर आप बाय कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आप शॉर्ट टर्म में आप रखेंगे तो हो सकता है आपका पैसा बनेगा, ऐसा नहीं कि आपका पैसा नहीं बनेगा, पैसा बन सकता है, लेकिन बहुत ही राइट एंट्री चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही लो पे एंट्री लीजिए तो आपका इंस्टेंट पैसा बन सकता है, लेकिन ये ट्रैप भी बहुत जल्दी करते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं किए टाइम पे आप वेट कर रहे हैं तो वो ट्रैप हो जाएंगे आप। ठीक है, ट्रैप भी बहुत जल्दी करते हैं रेलवे स्टॉक्स में। तो ऐसा नहीं पैसा बनता है, लेकिन मैं आपको जनरली बोलूँगा कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं अगर आप, तो आप रेलवे के स्टॉक्स जितने भी हैं ना, रेलवे के स्टॉक्स को अवॉइड ही कीजिए। और भी सारे सेक्टर्स के स्टॉक है आप वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन रेलवे में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल जाइए, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जो है ये एक ट्रैप हुआ। ठीक है, कल के दिन और 2 दिन से पहले इसने ऊपर ऊपर लेके गए प्राइजेस को, और आज के दिन जो है वो -10% की डाउन लग गई। तो देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप प्रॉफिट में, ठीक है, जो भी स्विंग ट्रेडर हैं, मिड टर्म के ट्रेडर है, स्मॉल ट्रेडर है, अगर आप प्रॉफिट में तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे। और मैं बोलूँगा कि यहाँ का प्रॉफिट बुक करके आप कहीं और पे भी पैसा लगा दो, आरबीएनएल को छोड़ो, और जितने भी रेलवे स्टॉक्स है ना इनको अवॉइड कर दो। आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होगा तो आप खुद जाके सारे जितने भी रेलवे स्टॉक्स है ना उनका एक बार चार्ट देख लेना, और आपको खुद ही समझ में आएगा कि रेलवे स्टॉक्स में कितने पैसे बनते हैं। तो ये मेरी एडवाइस थी, लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, क्योंकि आरबीएनएल के अंदर जनरली ये तो साइडवेज ही रहता, बट जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ये है, ये वाली जो लेवल है, और ये जो लेवल है वो 34 की है। 34 के लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसे ब्रीच करता है तो डेफिनेटली ये समझ लीजिए ये इसके भी नीचे आ जाएगा, और ये जो लेवल है वो 29 की है। और अगर 34 को ब्रीच किया तो समझ लीजिए एक शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड शुरू हो सकती है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 34 के लेवल। अगर आप ज़ीरोधा पे ट्रेड करते हैं तो 34 का एक GTT लगा सकते हैं स्टॉप लॉस अपना, क्योंकि इसके नीचे होल्ड रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इसके नीचे होल्ड रखना है तो आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं तो ही ठीक है, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स 34 के नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे ये मेरी एडवाइस है, जैसे कि ये मेरी टेक्निकल्स है, अगर आपको ठीक लगे तो आप खुद भी एनालाइज कीजिए और उसके बाद बोलिए कि आप 34 के लेवल अगर गलत बता रहा हूँ या फिर सही बता रहा हूँ। तो अभी तक तो जो कंडीशन है प्रेजेंट, अभी कंडीशन अभी ये बुलिश है। ठीक है, ट्रेंड जो है वो बुलिश है, और इसके अंदर अभी आपको बिल्कुल भी लेवल तक होल्ड करना चाहिए जो मैंने SL बताया, इसके पहले एग्जिट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस के पहले बिल्कुल भी एग्जिट मत कीजिए, होल्ड कीजिए। हो सकता है प्राइजेस जो है वो नीचे से आकर वापस ऊपर चले जाएँ, पॉसिबिलिटी है, आगे का कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100%। तो पॉसिबिलिटी है अभी वो ये ऊपर जा सकती है। अभी जो सेलिंग चल रही है पूरे इंडेक्स में, निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बनी पड़ी है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी डाउन आ गए हैं। मोस्ट स्टॉक जो है वो 20% और 15% डाउन आ गए हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है बाय करने की, कि आरबीएनएल के अंदर लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट बन सकते हैं। देखिए, अभी की जो कंडीशन है अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो एक रेजिस्टेंस के जोन पे है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करती है तो जो टारगेट बनेंगे वो पहली टारगेट ये वाली जोन होगी,
और ये जो जोन है वो 60 रुपीज़ की, 60 रुपीज़ के आसपास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस जो है वो तो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये वाली ही लेवल थी 44 की, ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर क्लोजिंग होती है तो 60 की टारगेट बन सकती है। तो अप्रॉक्स 60 के लेवल तक आप वेट कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, और अगर ये 60 के ऊपर भी चली जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि रेलवे की एक और स्टॉक जो है वो ट्रेंड में आ जाएगी IRCTC के बाद, RVNL। तो RVNL के लिए मैंने टारगेट बता दिया आपको, एक स्टॉप लॉस बता दिए, और इसके साथ आपको कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी चाहिए, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको एंट्री और एग्जिट लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर RVNL के अंदर आपको एवरेज करना है, या फिर RVNL के अंदर फ्रेश एंट्री लेना है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम होती है, टेलीग्राम की लिंक दी गई है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एक बार आके देखिए, आपको अगर आपकी क्वेरी अगर सॉल्व होती है तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ, वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो VPN ऑन कर लेना, VPN लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए नहीं है, जहाँ पे आपको हर दिन पैसा बनाने का कॉल्स, बाय कॉल्स या फिर सेल कॉल्स नहीं मिलता है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है। तो अगर आप भी इस तरह के ट्रेडर हैं, सेम टाइप के स्टाइल है आपकी, तभी आप आकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।